कोविड गाइडलाइन को देखते हुए बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे थे। इसके लिए अभी 2021 में नामांकन होने की तैयारियां हो रही थी, उसी समय हमने जतन संस्था के द्वारा मिलकर कम्युनिटी में जा जाकर विजिट किया था। उस विजिट के अंतर्गत ये पाया गया कि 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनको ना तो स्कूल से जोड़ा जा रहा था, ना ही राज्य सरकार की पालनहार योजना का लाभ मिल रहा था। जी, लड़की खत्म है गई एक मेरे। बच्चन को जो परेशानी, खर्चा पानी कौन देश को, पिताजी है रखता था, दूसरा ब्याह कर लिया दूसरी। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे जिनके माता पिता नहीं है? इसके एक के तो बच्चा बच्ची मर गई और पिता मर गए, इसके 3 लड़कियां एक की। उनको सरकार का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा बहन जी। मैंने इसका कम समुदाय का सर्वे किया था जिसमें मैंने आपकी जानकारी ली थी, फिर मैंने सुनीता मैम को बताया क्योंकि मुझ पे अकेले पे इतना होता भी नहीं, उनको मैंने ये सारी बातें बताई थी, तब उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर 6 बच्चों का। क्या क्या प्रोसेस किया सुनीता मैम ने आपके लिए? सुनीता मैम मेरे साथ में कम्युनिटी में विजिट किया, उन्होंने सभी बच्चों के घर पे गई, सभी के जो माता पिता से उनसे बातचीत की। उस प्रोसेसिंग को लेकर मैं HM सर से मिली केशवपुरा के, और उनको स्कूल में एडमिशन कराया। एडमिशन के साथ में ही उन बच्चों को पालनहार स्कीम से जोड़ा गया। ऐसे उस कम्युनिटी के 6 बच्चे थे जिनको आज पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है। आगे बताया कि बच्चे विद्यालय से जुड़े नहीं हुए हैं, ड्रॉप आउट मान सकते हैं, स्टूडेंट नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, ऐसे 2-3 बच्चों के प्लस 2 बच्चे और 6 बच्चों के एडमिशन कराए, तो हम जतन संस्थान को विशेष सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हमको बताते रहें, जो हमसे परे हैं, हमारे विद्यालय से हमारी जानकारी में नहीं है, उनको जोड़ते हैं तो ये अच्छा उनका प्रयास है। मेरे घर के पास में रहती हैं सुनीता मैम, जिनसे मैंने बातचीत की, उनको बताया, फिर उन्होंने माता पिता से बातचीत करके और वहाँ पे विद्यालय में जैसे प्रिंसिपल सर स्टाफ को समझाया, उन पे दबाव बनाया, उसके बाद उन्होंने वहाँ 6 बच्चों का जो ड्रॉप आउट बच्चे थे जिसके किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं था उनका वहाँ उन्होंने एडमिशन करवाया। मैम का हाथ है तो विशेष मैम के प्रयास है, तो मैम ने जो हमको लगा रखा है, जो हमारा बाहर दे रखा है, उनका भी पूरा सहयोग। स्कूल वालों ने क्या, पहले आपको क्या कहते थे स्कूल वाले? पहले नाइन कर देते, और अभी बहन जी के आने से क्या फर्क पड़ा है आपको? फर्क पड़ा, बहन जी क्या है, पढ़ाती है, और पालनहार में भी नाम जुड़ गया। जुड़ गया इसको तो कोशिश कर। ये योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं, उनका कोई जो संरक्षक होता है, उनको उन बच्चों के लिए 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 बच्चों को लाभ मिल रहा है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।